नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पत्रकारों के लिए सर्व सुविधा युक्त शेड का होगा निर्माण, भोपाल में पत्रकारों को मिलेगी सभी सुविधा। कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा ने किया भूमि पूजन। बढ़ती जीएसटी की दरों का विरोध भी बढ़ा, इंदौर में रिटेल गारमेंट्स के व्यापारियों ने मनाया ब्लैक डे। क्या इस विरोध प्रदर्शन का सरकार पर होगा असर? और मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे कोरोना की समीक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। बदनावर के तिलगारा में एक व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई है। ताजा जानकारी के अनुसार रामचंद्र वाघेला जंगल में बकरी चराने गए थे, तभी उन्हें सांप ने डस लिया। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को उनका शव सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में पत्रकारों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त शेड निर्माण कराने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने शनिवार को भूमि पूजन भी कराया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पत्रकारों की मांग को देखते हुए शेड निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्वच्छ जल, पंखा, गर्मियों के लिए कूलर की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही यहां पत्रकारों के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएगी। इस मौके पर युवा पत्रकार और कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज यहाँ पर पत्रकार बंधुओं के बैठने की व्यवस्था के लिए एक शेड के निर्माण का भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है। उसमें पानी पीने की मशीन, जिससे शुद्ध जल भी मिले, वो कूलर वो भी लगाएंगे। जो कुछ भी क्लोज व्यवस्था हो सकती है कि आराम से बैठे, क्योंकि जब रेस्ट करने के लिए देखा गया है कि बकरा बंधु क्योंकि सेंटर प्लेस है, चारों तरफ से आके यहाँ बैठते हैं रेस्ट करते, उसके लिए इस तरह की सुविधाएँ यहाँ देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी यानी नए साल से गारमेंट्स और जूतों पर जीएसटी की दर बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी के चलते जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। ऐसे में बढ़ती जीएसटी दरों का विरोध भी अब तेजी से बढ़ने लगा है। शनिवार को इंदौर रिटेल गारमेंट्स के व्यापारियों ने ब्लैक डे मनाकर सरकार को जगाने की एक छोटी कोशिश की है। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि बढ़ाई जा रही जीएसटी पूरी तरह इस व्यापार के लिए असहनीय है। सरकार को वास्तविक तौर पर जमीनी हकीकत समझना बेहद जरूरी है। बता दें कि स्टेज बनाकर जीएसटी का विरोध प्रतीकात्मक फैशन शो पुतलों के माध्यम से किया गया। साथ ही दुकानदार और स्टाफ के लोग भी काले कपड़े पहनकर काम करते नजर आए। अब देखना यह होगा कि व्यापारियों के इस विरोध प्रदर्शन का क्या सरकार पर कुछ असर पड़ता है। ब्लैक डे हमारा केंद्र सरकार के 5% से 12% जीएसटी करने के मकसद पर है। हम कतई ये मंजूर नहीं कर सकते कि ये लागू हो। हम लोग इस के लागू होने से हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम लोग व्यापार बंद करने की कगार पे आ जाएंगे। सरकार से मांग करने के लिए हमने आज ये आंदोलन एक नए तरीके से लाया है। हम अपनी गांधीवादी रास्ते से चलना चाहते हैं और गांधीवादी तरीके से ही अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये ब्लैक डे और ब्लैक फैशन शोज, गारमेंट्स की सारी दुकानें काले वस्त्रों से सजाई। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।